पहले चैनल को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं जिस एरिया में मीरा रोड में काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रभाग जो है हाईवे विभाग है, और मीरा रोड में जो प्रभाग का नाम दिया है प्रभाग 14, इसके एरिया में जब मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी एयर के बारे में, प्रदूषण के बारे में आपने सवाल पूछा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि काशी मीरा में रेसिडेंशियल एरिया में ही RMC प्लांट जैसे बड़े बड़े जो खतरनाक प्लांट है, अभी RMC प्लांट के बाजू में स्टूडियो है, उनके बाजू में कॉम्प्लेक्स है, उनके बाजू में छोटे मोटे स्कूल्स है, कॉलेज है, ट्यूशन्स है, उनके उनके बच्चे और रहने वाले, अभी हर कॉम्प्लेक्स में नहीं देखा जाएगा तो 70 या 80 साल के ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको इतना तकलीफ हो रहा है कि RMC का प्लांट है, उसके बाजू में भरनी यहाँ के हो रहा है। अगर मीरा रोड में सबसे अगर खतरनाक एरिया देखा जाएगा तो काशी मीरा में ऐसा कुछ काम हो रहा है कि उसके ऊपर प्रशासन या महानगर पालिका के अधिकारी या पुलिस प्रशासन, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी हाथ में उनको पत्र व्यवहार करो या कुछ भी करो या आंदोलन करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी कंडीशन में अभी मेरा जो कदम है, तो यहाँ से लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ, मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ। अभी हर सोसाइटी को मैं लेटर देना चाह रहा हूँ, हर सोसाइटी में, गली गली में, जितने भी हमारे शिवसेना के परिवार है, फिर अदर मतलब कोई भी पार्टी को, मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि सब पार्टी एक जगह पे आना चाहिए और इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मंत्रालय में इधर पेपर देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, कमिश्नर को देना पड़ेगा, कलेक्टर साहब को पत्र देना पड़ेगा, यहाँ के पुलिस अधिकारी को पत्र देना पड़ेगा, और इधर एक टाइम लेना पड़ेगा कि बाबा इसके ऊपर कदम उठाना ज़रूरी है। अगर उनके खिलाफ अगर पत्र व्यवहार से कुछ नहीं होता है, तो यही खड्डे में, यही रोड पर मैं अन्वेषण के लिए बैठने वाला हूँ। आज वो जो आपने मुद्दा लिया कि यहाँ के मीरा भाईंदर के मराठी स्कूल्स हैं, अभी पेपर में पढ़ने आ रहा है, सब कुछ देखने, सब न्यूज़ में भी दे रहा है, पेपर में दे रहा है कि कई सारे मराठी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, और यहाँ की जो कंडीशन है मीरा रोड की, जो जितने भी मराठी स्कूल्स हैं, तो वहाँ के जो छोटे मोटे बच्चे हैं, जो कोई ऐसे मराठी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, कोई अदर मतलब बड़े क्लास वाले, कोई क्लास वन ऑफिसर के या बैंकर के या कोई भी जो हाई लेवल के प्रोफाइल है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है, आम लोगों के, पब्लिक के, झोपड़पट्टी वाले के लव सब बच्चे पढ़ते हैं, उनको सरकार ने खाने की जो सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, ऐसा कुछ स्कीम है, जो खिचड़ी मिलता है, खाना मिलता है। तो ये जो प्रकार है हमारे काशी मीरा में, हमको मालूम पड़ा, हमारे शाखा प्रमुख नरेंद्र उपरकर जी है, उन्होंने मेरे पास लेटर दिया, मेरे पास आए, फिर हमारे जिला प्रमुख है प्रभाकर जी मात्रे, उप जिला प्रमुख जो मेसे है, उनके कहने से हम लोग स्कूल में गए थे, हमारे सब पदाधिकारी थे, जोशी थे, मसे थे, जितने भी शिवसेना के पदाधिकारी थे, उन्होंने हम लोग ने वो काशी मीरा अपना दाजकुलपाड़े के वहाँ मांडीपाड़ा, दाजकुलपाड़ा और मसाचा पाड़ा, ये एरिया में स्कूल है मराठी, वहाँ का जो खिचड़ी हम लोग ने जाके देखा, वो खिचड़ी को हम लोग ने हाथ में ले लिया, डिश में ले लिया, प्रिंसिपल को बुलाया, अदर टीचर को बुलाया, उनको खाने को बोला, तो उन्होंने खाने के लिए मना किया, मतलब क्यों, तो इनका कहना था कि ये खिचड़ी आई है 6 बजे, 9 बजे हम लोग ने बच्चे को दिया, अभी 3 बजे भी देना है, और खिचड़ी खुली थी, मतलब बच्चे खा सकते हैं लेकिन ये प्रिंसिपल या अदर शिक्षक नहीं खा सकते। तो हम लोग ने शिक्षण अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने भी उल्लास जवाब दिया, तो पत्र व्यवहार हुआ, फिर आयुक्त साहब को मिले, फिर जहाँ भी ये ठेकेदार है, वो ठेकेदार कैंसिल हो गया, अभी कुछ दिन के बाद उनको अच्छा खाना मिलना चालू हो रहा है, लेकिन ये दखल पूरा मीडिया ने, सामने में भी आया, पुण्य नगरी में, महाराष्ट्र टाइम में, सब जगह पे वो न्यूज़ आया, और मेरा वो चैनल वालों ने जो मीडिया ने ये मुद्दा हमको उठा के दे दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभात 14 में काम कर रहे थे, हाईवे विभाग भी आता है, अंदर का रोड भी जाता है, बारिश के टाइम में लोगों ने इतने परेशान हो गए कि गाड़ी कहाँ चलाना, कदम कहाँ रखना, खड्डा है, पानी है, रास्ता खड्डे में है कि खड्डा रास्ते में, ये एक दुविधा में पूरी जनता थी। तभी हम लोग ने आंदोलन किया, पत्र व्यवहार किया, फिर सब शिवसेना के पदाधिकारी खड्डे में जाके बैठ गए, हर खड्डे में हम लोग ने कमल का फूल डाल दिया, क्योंकि सत्ता कमल की थी, बीजेपी की थी, इसलिए हर खड्डे में हम लोग ने कमल डाला। जो जो ठेकेदार था उनको ज़रा शर्म आ गई, फिर उन्होंने फिर सीमेंट डाला, रेती डाला, खड़े डाला, टेम्पररी काम किया, अभी आज की कंडीशन है जैसी है वैसी हो गई। हर तरह की का हम लोग ने ट्राई किया, अभी ऐसा है कि आंदोलन करो, रोड पे उतरो, तभी काम होता है, तो बार बार यही करना है क्या? क्योंकि यहाँ के प्रशासन, जो महानगर पालिका जो चला रहे आयुक्त साहब, अभी जो नए नए आ गए, वो तो अभी लगता है पहले जो आयुक्त थे वो IAS ऑफिसर नहीं थे, अभी जो आए तो IAS ऑफिसर है, उनको मेरे को लगता है कि इस सिटी का, इस शहर का कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, अगर अपना
पद के हिसाब से अगर वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जब से आए तब से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोग ने पेपर पत्र व्यवहार करते भी स्वच्छता करो, यहाँ के गटर का समस्या है, यहाँ की झोपड़पट्टी में टॉयलेट की समस्या है, या ऐसी कंडीशन होते जाएगी। अभी काशी मीरा में अगर काम करना है, हर टाइम हर वक्त हर पल आपको रोड पर खड़ा रहना है तो ही काम हो सकता है। अभी हमारी प्रशंसा हम ही करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर आपको चैनल के मतलब से आप अगर दिखाना चाहते हो तो आप सर्वे कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। हर गली में हर एरिया में आप जाके सर्वे करो। हम लोग ने जो काम किया है वो भगवे के लिए किया, और एक ही भगवा हमारा पक्ष है, शिवसेना का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, क्योंकि हमारा वो पक्ष है। बाकी के तो गट है, बाकी के अन्य पक्ष है, मैं कोई पक्ष का नाम ले नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये सामाजिक काम करते करते हम लोग ने मतलब हर तरीके के प्रोग्राम में हम आगे हैं। अभी हमारा दहीहांडी का प्रोग्राम इतने ज़ोर से हुआ कि हम चाहते दावा करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम ये काशीमेरा में कभी हुआ नहीं था, ऐसा प्रोग्राम हो गया। क्योंकि लोग काशीमेरा के जो हमारे प्रभाग के लोग हैं, अगर दहीहांडी का उत्सव बनाया देखना चाहते हैं तो मुंबई में जाना पड़ता है या ठाणा में जाना पड़ता है। ऐसे लेवल का जो प्रोग्राम हम लोग ने प्रत्यक्ष में ये काशीमेरा में लोगों को दिखाया कि दहीहांडी उत्सव त्यौहार, लोगों का आना, मान सम्मान कैसा रहता है, वो हम लोग ने दहीहांडी दिखा। उसका पूरा श्रेय मेरे सब शिवसेना के पदाधिकारी उनको जाता है।